नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. ठीक है. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन. अब वो डिस्कशन के साथ साथ होते हैं ना, अपने वे जाते जाते वो जो फ्रेंड्स है वो बोलते जा रहे हैं कि डिस्कशन चलता जा रहा है. तो ऐसे ही एक नेबर बोलता है कि ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन नेबर आस्क व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, कि हम थोड़े पैसे और खर्च करके हम टाउन शहर में जाकर जो पुलिस स्टेशन है वहां जाकर रजिस्टर कराएं. ओके, वो ये बात कहता है. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी. ये कौन कह रहा है? मोहन कह रहा है कि ये पैसे की कोई बात नहीं है. वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क. आप ये लाइन अंडरलाइन कर लो. क्यों? क्योंकि ये आप इस स्टोरी के साथ साथ आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे ये सब चीजें चलती है. ठीक है, इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये सारी चीजें समझाई जा रही है. जैसे वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन, जो हमारी एरिया होती है. एज यू नो एवरीबडी कि हमारी हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, थाना होता है, वहीं पर हम अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं. ठीक है ना, तो उस एरिया का वो जो डिपार्टमेंट है वो वहां जाकर ये बातें सारी क्लियर होती है. तो वो यही बोल रहा है मोहन कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, पैसे की कोई बात नहीं है. पैसे की कोई बात नहीं है. वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन, जो हमारे एरिया में पुलिस स्टेशन आता है, हम वहीं अपनी फाइल जो है, हमारे जो हमें कंप्लेन लिखानी, वो हम यहीं रजिस्टर करा सकते हैं. बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, हमारी जो विलेज है वो ये एरिया ऑफ वर्क में आ रही है, इसलिए हमें यहाँ पर केस फाइल कराना है. ये मोहन ने उसे समझाया. ओके, तो आप भी ये समझ गए कि जो एरिया होती है वहीं पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई जाती है. ये नहीं हो कि आप जहां मर्जी हो वहां जाते हो, जो आपकी एरिया है वहां पर जो पुलिस थाना है वहां जाकर ये कंप्लेन फाइल होती है. एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया डेट कम अंडर इट्स कंट्रोल. हर पुलिस स्टेशन की एक एरिया होती है जो उसके अंडर कंट्रोल में होती है. ओके, जैसे कोई बड़ी एरिया है तो वहां 3 पुलिस स्टेशन होंगे. ठीक है, ताकि वो अच्छे से कंट्रोल कर सके. अब ये तो नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे इंडिया को अच्छे से चला सकता है. नहीं, उसके लिए आपको बहुत सारे डिविजन्स करने पड़ते हैं. वैसे ही सेम है, जैसे अपनी एरिया है जो विलेज है वहां पर जो इतनी एरिया में एक पुलिस स्टेशन बना दिया जाता है कि इस एरिया का पूरा जो वर्क है वो सारा ये वाला पुलिस स्टेशन चेक करेगा. ओके, ऑल पर्सन दैट इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजुरी, फाइट एसेट्रा. अब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी की चोरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजुरी है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कुछ भी हो, वो सारी कंप्लेन हम वहीं पर जो हमारी एरिया में पुलिस स्टेशन है हम वहीं पर रजिस्टर कराएंगे. पुलिस स्टेशन डेट स्टेशन टू इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया. ठीक है, अपनी ही एरिया में जो जो भी प्रॉब्लम है वो हम इस एरिया के जो पुलिस थाना है वहां जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं. ओके, यस, आवर अनदर टॉपिक इज द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में क्या वर्क हुआ, वहां पर हेड कौन होता है, कैसे कंप्लेंट लिखाई जाती है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके, वेन दे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. वेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर और SHO. पुलिस स्टेशन में जो हेड इंचार्ज होते हैं उनको क्या कहते हैं? SHO. इसका फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस ऑफिसर. ठीक है, ओके. व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां पर जो वहां का जो स्टेशन का जो इंचार्ज होते हैं SHO, उससे वो वहां पर कंप्लेन लिखाते हैं एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. और वो उनको बताते हैं कि क्या बात हुई, कैसे ये सारी चीजें, जो उनका क्वारल हुआ है रघु के साथ, ये सारी चीजें
SHO को वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं. ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग. द SHO रूडली ब्रस्ट हिम aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints. Okay, minor means छोटी छोटी बातें. Okay, बहुत छोटी complaint है. तो वो ऐसे जो है जो rudely मतलब बहुत एकदम मतलब rudely बात करता है, अच्छी तरीके से नहीं बात करता, उसकी कोई बातें सुन नहीं रहा, सुनता नहीं है मोहन की. और वो ब्रश उसको कहता है कि तुम एक बार साइड में बैठ जाओ और मुझे ये छोटी मोटी बातों से कोई मतलब नहीं है तुम्हारे. वो उससे अच्छे से बिहेव नहीं करता. ओके, देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, वो बोल रहा है कि माइनर या छोटी मोटी चीज़ों में मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और कोई इन्वेस्टिगेटिंग नहीं करूंगा. मोहन सोल्वड हिम हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम. इंजरीज मीन्स जो मोहन को चोट लगी है वो सारी चीज़ें मोहन SHO को दिखाता है कि देखिए मेरी इतनी चोट लगी है, मगर जो SHO है वो उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा कि नहीं मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा. मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू. ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड. ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इन टू द ऑफिस. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली डैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ दैम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यू हिम He would have been injured very seriously. अब देखिए क्या होता है, मोहन वॉज पजल्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि SHO है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो मेरी कोई कंप्लेंट सुन ही नहीं रहा, वो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा, तो अब क्या होगा. ही वॉज नॉट श्योरली, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कैसे मैं अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाऊँ, फाइल करवाऊँ. ही वेंट टू कर, अब वो क्या करता है, वो अपने जो नेबर्स उनके साथ आते हैं ना, वो सब बाहर रहते हैं, वो उनको सबको ऑफिस में बुला कर ले आता है. दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली, ठीक है, वो फिर सारे जन क्या होता है, एक आप ये चीज देखा करो, कुछ ऑफिस है, स्कूल है, ये सब में क्या होता है कि एक पर्सन बोल रहा है और अगर बहुत सारे एक साथ मतलब गैदर्ड होके लोग बोलते हैं ना, तो उसमें ज्यादा वो पड़ता है, भार पड़ता है. इसलिए मोहन ने क्या किया, अपने जो नेबर्स थे उन सबको इकट्ठा करके जो लाए थे वो सबको ऑफिस में ले आता है, और जब सब बहुत जोर से स्ट्रांगली मतलब एक साथ होकर सब बोलते हैं कि नहीं आपको कंप्लेन लिखनी होगी, देखिए मोहन को बहुत तेज चोट आई है, उसको मारा गया है, और देन एंड दे नॉट रेस्क्यूड. रेस्क्यूड मीन्स टू सेव समबडी, उसको फिर कोई हम लोगों ने बचाया था, किससे, रघु से, क्योंकि वो उसे मार रहा था, है ना. वुड हैव बीन इंजरी वेरी सीरियसली, बहुत जोर उसको इंजर्ड हुआ मतलब चोट आया, घायल हो गया था वो. दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, फिर उन्होंने इंसिस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं ये केस आपको रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, लास्ट में जाके क्या होता है, ऑफिसर है जो एग्रीड हो जाता है, मान जाता है. ही आस्क्स मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल डैट ही वुड सेंड अ कॉन्स्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. फाइनली वो मान जाते हैं SHO, और मोहन को बोलते हैं कि ठीक है मैं आपकी कंप्लेंट लिख लूंगा, और वो बाकी सारे जनों को जो नेबर्स थे उसके उनको बोलते हैं कि ठीक है मैं नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन अपने कांस्टेबल, कौन होता है आपने देखा होगा मूवी टीवी और में सीरियल और में, कि वो हवलदार और होते हैं ना जो कांस्टेबल SHO से नीचे पोस्ट में होते हैं, वो सारी चीज़ें पहले जाके देख कर आते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं इंसिडेंट कि क्या हुआ था, किसको कब मतलब किसने कब मारा था, किसको यहाँ पर सच में ऐसा हुआ था, आसपास के लोगों से पता करते हैं. तो वो ये बता रहे हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे कांस्टेबल को हम भेजेंगे दूसरे दिन उस इंसिडेंट में जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पता करने. ओके, तो इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. ओके.